लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। सो गाइस लुकास टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, लुकास टेस्ट हम इसीलिए यूज करते हैं सो टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। सो गाइस अगर हम लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना होगा तो हम करेंगे लुकास टेस्ट। गाइस प्राइमरी मींस होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी मींस हो गया 2 डिग्री एंड टर्शरी मींस हो गया 3 डिग्री। तो अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल की बात करूं तो प्राइमरी एल्कोहल कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि आपके पास एक कार्बन होगा और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें वो 2 हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा इस कार्बन के साथ विद OH। सो गाइस अगर आप इस OH को देखते हैं, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, इट मींस ये है यहां पे प्राइमरी एल्कोहल। अगर मुझे सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करूंगा या रिप्लेस करूंगा विद 1 एल्काइल ग्रुप तो मुझे मिल जाएगा सेकेंडरी, वो कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव CH3 एंड OH विद 1 हाइड्रोजन। सो गाइस अगर आप इस OH को देखते हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, इट मींस ये कहलाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर मुझे टर्शरी बनाना है तो मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूंगा एल्काइल ग्रुप से, सो टर्शरी मुझे कैसा मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 एंड OH। तो गाइस अगर आप इस OH को आप देखते हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 जगह से प्रोटेक्ट है या 3 एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, इट मींस ये कहलाएगा टर्शरी एल्कोहल। गाइस तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा लुकास टेस्ट में अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो आप करेंगे लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 विथ कंसेंट्रेटेड HCl गाइज ये जो रिएजेंट हमने यूज किया, इस रिएजेंट को हम लोग यहां पे कहते हैं लुकास रिएजेंट इन्हें कहा जाता है। रिएक्शन कैसे होगी, कैसे प्रोसेस करेंगे आप, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। सपोज मानिए आपके पास कोई एल्कोहल है, आइदर वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो, अटैच विद OH ग्रुप। जैसे आप इसे रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको पता OH का चार्ज होता है नेगेटिव क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो यहां से ये वाला OH इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को ले जाएगा वाटर की फॉर्म में और आपके पास क्या बचेगा, ये क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा। तो अगर आप ढंग से देख रहे होंगे तो ये एक हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू कर रहा है जिसमें ये OH ग्रुप रिमूव हो रहा है और ये क्लोरीन इसकी क्या ले रहा है, यहां पे जगह ले रहा है, विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं गाइस जिसमें OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय CL और यहां पे CL क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन होगी गाइस, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है लुकास टेस्ट में, एल्काइल हैलाइड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो हम मूव करेंगे लुकास टेस्ट की तरफ। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग, जैसे हम लुकास रिएजेंट कहते हैं, वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 विद कंसंट्रेटेड HCl। रिएक्शन कैसे होगी, आप 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला एल्कोहल लेंगे, उसे रिएक्ट कराएंगे लुकास रिएजेंट के साथ एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो चलिए गाइस मूव करते हैं और रिएक्शन देखते हैं। सो गाइस रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले करेंगे 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन। सो वी हैव 3 डिग्री एल्कोहल when this 3-degree alcohol or tertiary alcohol react with concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन वही होगी, OH यहां से रिप्लेस होगा गाइस इस H के साथ, तो यहां पे वाटर रिमूव हुआ एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, CH3, we have CH3 एंड वी हैव CL। तो गाइस यहां पे जो ये एल्काइल हैलाइड बना जिसे हम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन बहुत तेज होती है गाइस। अगर आप टर्शियरी एल्कोहल का लुकास टेस्ट करते हैं तो ये बहुत इमीडिएटली क्या करता है, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही एल्कोहल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है गाइस, यहां पे टर्बिडिटी फॉर्म होने लग जाती है, टर्बिडिटी अपेयर होने लग जाती है और बहुत जल्दी अपेयर होती है, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है गाइस। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टर्शियरी एल्कोहल को
लुकास टेस्ट करेंगे तो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड बहुत इमीडिएटली बनेगा, बहुत जल्दी ये रिएक्शन होगी गाइस, और टर्बिडिटी यहाँ पे अपेयर होगी। टर्बिडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, आप जब टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो ये वाटर जैसा होगा, लेकिन जैसे आप इसका लुकास टेस्ट करेंगे गाइस तो इसमें क्लाउडीनेस आने लग जाएगी और टर्बिडिटी वाइटनेस आने लग जाएगी गाइस। तो ये है 3 डिग्री का। चलिए मूव करते हैं 2 डिग्री का, देखते हैं। तो सपोज मानिए अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस तरीके से होगा, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करता हूं या रिएक्ट कराता हूं कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 गाइस, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है, यहां से ये वाला OH और ये वाला H यहां से रिप्लेस होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे जिसमें OH ग्रुप रिप्लेस होगा Cl से, और Cl यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो बनेगा क्या, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी गाइस। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का लुकास टेस्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाएंगे गाइस, तो अराउंड यहाँ पे 3 to 5 मिनट के बाद क्या होगा गाइस, टर्बिडिटी अपेयर होगी। 3 to 5 मिनट के बाद क्या होगा, टर्बिडिटी अपेयर होगी। अगर थोड़ा समय लेने के बाद टर्बिडिटी अपेयर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो अल्कोहल है वो क्या है, सेकेंडरी है। एक और बार, अगर आपका टर्बिडिटी बहुत जल्दी आया तो आप समझ जाइएगा कि अल्कोहल कैसा वाला आपके पास, टर्शियरी है। अगर आपके पास टर्बिडिटी जो है 3 to 5 मिनट के बाद आता है गाइस, तो आप समझ जाइएगा कि आपके पास जो अल्कोहल है वो कैसा वाला है, सेकेंडरी वाला है। चलिए मूव करता हूं 1 डिग्री वाला देखते हैं। सो अगर मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल कुछ इस तरीके से होगा, CH3 वी हैव CH एंड OH। सो अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का करता हूं लुकास टेस्ट कंसेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां पे गाइस दो केस बनेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहां पे केस क्या बनेगा, केस कुछ ऐसा बनेगा कि गाइस अगर आप ये रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर में तो गाइस ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, कोई टर्बिडिटी यहां पे अपेयर नहीं होगी। लेकिन आपने अगर ये रिएक्शन थोड़ा हीट करा, ऑन हीटिंग पे किया, थोड़ा हीट करना स्टार्ट किया तो आपको दिखेगा कि अराउंड 25 to 30 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी दिखने लग जाएगी, टर्बिडिटी अपेयर होने लग जाएगी। तो आप समझ जाइएगा कि अगर 25 to 30 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी अपेयर हो रही है, इट मींस आपके पास जो एल्कोहल है वो कैसा वाला है, 1 डिग्री है, वो कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल है गाइस। तो इस तरीके से हमने डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट। कैसे किया, टर्शियरी अल्कोहल का जब हम लुकास टेस्ट करते हैं तो बहुत इमीडिएटली टर्बिडिटी अपेयर करता है और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी वाले का जब हम लुकास टेस्ट करते हैं तो वो 3 to 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपेयर करता है गाइस, और 1 डिग्री वाला सिर्फ ऑन हीटिंग 25 to 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपेयर करेगा, नहीं तो वो रिएक्शन को शो ही नहीं करेगा गाइस। तो इस तरीके से आपने लुकास टेस्ट के थ्रू प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को क्या किया, डिस्टिंग्विश किया। लेकिन गाइस कुछ नोट हमें याद रखना है, नोट ये है गाइस कि अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स लुकास टेस्ट तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, 3 डिग्री वाले की गाइस, फिर किसकी है 2 डिग्री वाले की है, फिर किसकी है 1 डिग्री वाले की है। तो 3 डिग्री वाला एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री गाइस। या तो आप ऐसा बोलिए या आप ये कह सकते हैं गाइस कि 3 डिग्री वाले में क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। और आपने पढ़ा है अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटायन की उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स लुकास टेस्ट। सो गाइस आप ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, किसमें है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, 3 डिग्री में, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कार्बोकेटायन की उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स लुकास टेस्ट। ये बात भी आपको याद रखनी है, 3 डिग्री वाला लुकास टेस्ट सबसे जल्दी दिखाएगा, इट मीन 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी जब हम उसका लुकास टेस्ट करेंगे।